हेलो, यस डियर, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, कहाँ पर रह रहे हो अभी तुम? पुणे में रह रहे हो ना? हाँ पुणे में। ओके, मैं तुम्हारा रिज्यूम विजिट कर रहा था, उसमें पता चला कि तुम तलेगांव में काम करती थी पहले, राइट? यस सर। ओके ओके, तो अभी तुम करेंटली कहाँ कर रहे हो? कुछ म्यूनसिपल कर ड्राइंग्स वगैरह बना रही हो ना? हाँ कहाँ पे बना रहे हो? हमारे ऑफिस के पास में ही एक है आर्किटेक्ट का ऑफिस, तो हाँ, थोड़ा थोड़ा उनसे सीख रही हूँ। ये कहाँ पे एग्जैक्टली है? तलेगांव में। हाँ तलेगांव में ही है क्या? ओके ओके ओके, गॉट इट। तो तुम्हारा ये पहला जॉब है या दूसरा जॉब है? पहला ही जॉब है। अब पहले जो था ना वो कॉलेज में रहते पार्ट टाइम किया था, मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, तुमने मेंशन किया था ना पहले कहीं पे, फिर अभी कहीं पे ना, ऐसा तुमने मेंशन किया था। ओके, हाँ बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है पहले बताओ। हाँ, तो अभी मुझे, मैं अभी साइट इंजीनियर के लिए जॉब कर रही हूँ ना, तो अभी मुझे करेक्ट, डिजाइन में शिफ्ट होना है, ओके, तो उसके हिसाब से जॉब ढूंढ रही हूँ। लेकिन डिजाइन में एक्सपीरियंस के सिवाय नहीं ना लेते। ये कौन बोला? एक्सपीरियंस आएगा ही जॉब करके। हाँ वही ना, लेकिन फ्रेशर को लेते ही नहीं है, जिधर भी देखो तुम 2 साल फ्रेशर का कहाँ एक्सपीरियंस हो? मांग। हाँ अभी मतलब साइट इंजीनियर हूँ ना, तो ऐसे डिजाइन के फील्ड में आर्किटेक्ट के पास काम कर रही हो, राइट? नहीं, मतलब मैं बिल्डर के पास हूँ, उधर ही पास में आर्किटेक्ट का ऑफिस है ना, तो हाँ थोड़ा थोड़ा सीखने के लिए ओके, जाती तो हूँ उधर। तुम अपने हाँ रिज्यूम में ऐसा मेंशन कर सकती हो ना कि मैं आर्किटेक्ट के पास ये हाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, हाँ ठीक है? तुम्हें बेसिक ऑटोकैड का तो नॉलेज हो ही गया होगा आर्किटेक्ट के पास जाते जाते, हाँ गॉट इट। अब ये बताओ कि तुम्हें कौन सी इंडस्ट्री में जाना प्रिफरेंस करोगी, मतलब कि स्ट्रक्चर्स में या फिर बीम में? तुमने बीटेक किया है ना? पीवीवी किया ना? हाँ बी की है। ओके, हाँ कौन से कॉलेज से किया है? जीएस मोजे से, बालेवाड़ी से। बालेवाड़ी से, जीएस मोजे से, करेक्ट। हाँ ओके, और आई थिंक 2020 के द्वारा पास आउट है जहाँ तक मैंने देखा रिज्यूम, राइट? तो अब ये तुम फिक्स करो कि तुम्हें जान ले तो जाओगे, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है? मैं अभी एक बच्चा इसे उससे मीटिंग हो रही थी, तो मैं यही उसको बोल रहा था कि तुम किसी भी प्रोफाइल में जा सकते हो, सिर्फ वो प्रोफाइल तुम्हारे रिज्यूम के अंदर लगना चाहिए कि तुम उसके लिए बने हो, हाँ गॉट इट? हाँ क्योंकि देखो शिवानी, अगर मैं तुमको नहीं जानता हूँ बाई फेस, तो मैं तुमको हाँ जस्ट तुम्हारे रिज्यूम से ही करूंगा ना जज, ठीक है? अब तुम उस आर्किटेक्ट के पास क्या काम करती हो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर तुमने मुझे बोल दिया कि सर मैं उनके यहाँ पर स्ट्रक्चर की ड्राइंग भी एनालिसिस करके देती हूँ और ड्राफ्टिंग भी करती हूँ, ठीक है, तो हाँ फिर मुझे क्या टेंशन है? मुझे पता ही नहीं उस आर्किटेक्ट के पास काम क्या है, ठीक है? क्रॉस हाँ चेक करने के लिए मैं पूछ लूंगा क्वेश्चन, हाँ ठीक है? तो तुम्हें कैपेबल रहना पड़ेगा उस चीज के लिए कि हाँ मैं बता सकती हूँ कि हाँ सर, हम सेंटर लाइन निकालते थे, लोड लगाते थे, एनालिसिस करते थे, और फिर जो रिजल्ट आता था उसकी डिटेलिंग करके देते थे, हाँ ठीक है? तो जहां तक मुझे तुम्हारा इंटरेस्ट दिख रहा है वो स्ट्रक्चर्स में दिख रहा है, यस सर। ओके। और तुमने जो मैंने देखा है, तुमने ईटैब सीख रखा है, बट अभी जो मैं हाँ जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें ईटैब तुमने सिर्फ कमांड सीखी है, हाँ प्रैक्टिस नहीं किया उस पे, प्रैक्टिस सिर्फ नहीं किया, ऑटोकैड पे प्रैक्टिस किया है। हाँ करेक्ट। अब देखो, जब तुम्हें स्ट्रक्चर्स में जाना है, तो स्ट्रक्चर्स में अब देखो क्या क्या चाहिए कोई भी चीज में, जिसमें अभी हमारे यहाँ पे हाँ अभी खाना बनाने लोग जा रहे हैं, कुक वगैरह, तो ये लोग अभी क्या सर्च करेंगे? आटा, दाल, चावल, क्या क्या चाहिए, सब्जी एंड मसाला, जो भी चीजें लगेंगी, राइट? ये लोग पूरा सारा कुछ हाँ देखेंगे। ऐसे तुम भी स्ट्रक्चर्स में अगर जा रही हो, तो तुम्हें क्या क्या चीजें लग सकती हैं, कुछ आइडिया लगाया? हाँ मतलब सॉफ्टवेयर आने चाहिए, ये सब ओके, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इतना ही आने चाहिए? मालूम। स्टैड प्रो, ई हाँ, टैब्स, ओके और 3D के लिए रेविट, 3D मैक्स, ओके। ये तो सब। अगर मैं बोलूं कि एक 12th क्लास का बच्चा है, उसको मैं बोल दूं कि तुम हाँ स्टैट प्रो या ईटैब सीख लो, और तो क्या वो स्ट्रक्चर की जॉब में जा सकता है? नहीं क्यों? मतलब उससे कुछ बेसिक आइडिया ही नहीं होगा ना, सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखेगा वो। तुमने तो अभी यही बोला ना कि हाँ स्ट्रक्चर्स के लिए सॉफ्टवेयर सीख लो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, हाँ ठीक है? सॉफ्टवेयर विद कॉन्सेप्ट, ठीक है? हाँ तो अब तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा डियर इसके लिए? तुम्हें सबसे पहले तो स्टैट प्रो का, नो डाउट स्टैट प्रो का नॉलेज मस्ट है, बट स्टैट प्रो हाँ में क्या होता है कि स्टैट प्रो तो यूट्यूब पे भी लोग सीख लेंगे, ठीक है? हाँ लेकिन स्टैट प्रो कैसे सीखना है, एक बीम है
उस बीम के एनालिसिस कर रहे हैं, एक सीयर वॉल है, तो सीयर वॉल क्या होता है, सीयर वॉल क्यों यूज हाँ करते हैं, इसका फुल कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, राइट। हाँ अगर हम बीम, मान लो विंड लोड लगा रहे हैं, तो विंड लोड क्यों लगाते हैं, विंड लोड के इफेक्ट्स क्या होंगे, विंड लोड कैसे सॉफ्टवेयर में रन करता है, ठीक है। अब तुमने जो हाँ ईटीएफ सीखा है उसमें यही सीखा है कि विंड लोड लगाने का ये प्रोसेस है, हाँ बट उस रिजल्ट को डिस्कस किया क्या, नहीं नहीं। उस कॉलम में रेनफोर्समेंट बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि लेटरल फोर्स में भी एक्स्ट्रा लग गया होगा। तो तुम्हें क्या करना हाँ पड़ेगा, पहले तुम्हें स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरीके से पूरा अपना हल्दी दाल चावल इकट्ठा सब इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसको सीवी में ऐसा प्रेजेंट करना पड़ेगा कि शिवानी को देख के मुझे पता चल जाए कि ये स्ट्रक्चर के लिए तो बनी है बंदी, ठीक है, हाँ तो इसको मुझे स्ट्रक्चर के लिए ही हायर करना है। तो अब हाँ ये तुम कैसे करोगे, तो इसके लिए तुम्हें वो सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी। ग्राफ बना लो अपना एक पेपर में, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे हाँ बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें किस हाँ स्ट्रक्चर इंजीनियर को आना चाहिए, ठीक है। तो हाँ 20 to 30 पॉइंट्स है जिसमें से आपको बीबीएस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, विंड लोड, सिस्मिक लोड और डायनेमिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस और फुटिंग का नॉलेज होना चाहिए। ये सब तो बेसिक्स, बेसिक चीज चाहिए। मैं यूट्यूब पे डाल देना कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, तो मैंने 3 4 पार्ट में बताया हुआ है वो, ठीक है। अब हाँ डियर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हाँ तुम्हें स्टैट प्रो का और ई टैब्स का प्लस मैनुअल एंड एक्सेल का, हाँ मैनुअल एंड एक्सेल, हाँ क्योंकि क्या होता है कि मान लो स्टैट प्रो तो सॉफ्टवेयर है ना, अब मैं अभी कैलकुलेटर मान लो मोबाइल का यूज करूँ कैलकुलेटर, तो इसमें दो दो पांच अगर दिखा दिया, गलती से मैंने 2 डिवाइड बाई 2 कर दिया होगा, क्या सही है कि नहीं सही है, 2 2 5 नहीं सही है, तो मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा पेन पेपर भी लगा लेना चाहिए ना, दो दो चार ही होता है, हाँ तो इसके लिए मैनुअल और एक्सेल भी चाहिए, ठीक है। तो एक हाँ पूरा ग्राफ का सेट बना लो, ठीक है, मुझे ये चीजें चाहिए, तो तुम चाहो तो उस सारे चीजों को यूट्यूब पे एक एक करके पढ़ डालो, ठीक है। अदरवाइज अगर तुम्हारे पास ज्यादा बिजी शेड्यूल है तुम्हारा, तो हम जैसे मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी बहुत से लोगों ने, मैंने एक ऑल इन वन करके पूरा कोर्स बनाया है, अगर तुमने देखा होगा तो, ऑल इन वन, ठीक है। उसमें मैंने कुछ और नहीं किया है, यही किया है कि खाना बनाने के लिए क्या क्या लगता है, दाल चावल जो मैंने बताया, सारी इंग्रेडिएंट्स, वही इंग्रेडिएंट्स मैंने ऑल इन वन में डाल दिया, ठीक हाँ है। तो उससे तुम ना ये बता सकती हो कि मुझे एक्सेल आता है, हाँ, मुझे रेवी स्ट्रक्चर आता है, यस, स्टैट प्रो आता है, यस, फुटिंग के लिए क्या करोगे, फुटिंग के लिए अच्छा कोई बात नहीं, स्टैट फाउंडेशन उसमें डाल दिया है। कोई कंपनी होगी जो बोलेगी नहीं नहीं मैं स्टैट फाउंडेशन नहीं यूज करता, मैं मेरा क्वालिफाइड जो थोड़ा हाई लेवल है तो सेफ यूज करेगा, मैंने उसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। हाँ कोई कंपनी बोलेगी आरसीडीसी, हमने वो भी डाल दिया है, तो मतलब कि तुम चाहो तो उसको, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कम कॉस्ट में है, या प्रॉक्स अभी जैसे कि ऑफर चल रहा होगा, तुमने अगर यूट्यूब फॉलो करती होगी तो नॉर्मली 6,000 फी है, बट 3,000 में तुमको मिल जाएगा वो, ठीक है। बट इट्स हाँ नॉट कंपल्सरी कि तुम वही लो, तुम अपना ग्राफ बना के यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो इस तरह से तुम्हें क्या करना है, एक अपना चार्ट पेपर बना के ऐसा प्रेजेंट करना है। अब तुम्हारी सीवी को देख के थोड़ा भी नहीं लगा कि ये स्ट्रक्चर के लिए बनी हुई लड़की है, हाँ ठीक है, क्यों, क्योंकि जब कोई स्ट्रक्चर के लिए अप्रोच करेगा तो वो बोलेगा मुझे आईएस कोड का नॉलेज है, ठीक है, ठीक है, हाँ वो बोलेगा कि मुझे अच्छा खासा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट्स का नॉलेज है, ये सब सीवी में दिखाना पड़ेगा डियर। मतलब हाँ तुमने सीवी मुझे भेजा, मेरे कोई बोले कि यार किस प्रोफाइल के लिए है, मैं बोलूंगा 1 मिनट रुको डाउनलोड करके देखता हूँ, तो मैं देखूँ तुरंत मैं बोल हाँ दूँ कि यार इस चीज़ के लिए इसने भेजा है, पक्का है, ठीक हाँ है। और उसके साथ डियर एक कवर लेटर बनाओ, ठीक है, अगर हाँ ठीक है, कवर लेटर क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है कि तुम अकेले थोड़ी हो मेरे पास रिज्यूम भेजने वाले, बहुत लोग भेजेंगे, हाँ ठीक है। लेकिन अभी मैं गया था एक रेस्टोरेंट में, हल्दीराम का रेस्टोरेंट था, तो उनके यहाँ पे हाँ कुछ ऐसे समोसे वगैरह खा रहा था, बट उनका समोसे का कॉस्ट ज्यादा था, ठीक है। अब हाँ उन्होंने कैसे लिया ज्यादा कॉस्ट, उनके पास आया वेटर ने प्रॉपर एक मेनू दिया हमको, हमने जो ऑर्डर किया उस चीज को किया, मतलब उन्होंने पैकिंग करके कवर लेटर दिया मुझे कि भाई मेरे पास ये चीजें हैं, ठीक है। तब मैंने उस मेनू को खोल के रिज्यूम देखना स्टार्ट किया उनका कि भाई ये क्या कचौड़ी बेचते हैं, फिर क्या बेचते, जो भी चीजें उनके यहाँ खाने की थी, तो हमने ऑर्डर करके मंगवा लिया। लेकिन अगर वहीं पर एक जैसे नॉर्मल शॉप्स होती हैं, तो उन पे तुम देखोगे उनके पास मेनू नहीं होता है, ठीक है। और अगर वो नेटवर्क चला गया क्या, ओके,
तो अगर वो मेरे पास आएंगे और बोलेंगे कि मेरा समोसा 50 रुपए का है, मैं कभी नहीं लूंगा उनका समोसा 50 रुपए में, ठीक है। बस एक ही प्रॉब्लम थी, एक कवर लेटर नहीं था उनके पास, ठीक है। तो अगर तुम्हें महंगे दामों में वर्क को अपने सेल करना है तो अपनी पैकिंग ब्रांडेड करनी पड़ेगी डियर। तुम्हारा अभी नेटवर्क डिस्टर्ब करने लगा शायद। ओके, तो मुझे लगता है नेटवर्क थोड़ा अभी इधर उधर डांस कर रहा है थोड़ा। तो समझ में आया शिवानी मेरे हाँ कॉन्सेप्ट क्या था? यस ओके, और डाउट कुछ है माइंड में इसके अलावा? नहीं, अगर मुझे अभी स्टैड प्रो और वो जो आप ऑनलाइन सीखते हैं ना, तो वो बस सिर्फ थ्योरी रहती है, हाँ ऐसे ऐसे डिजाइन करना है, लेकिन वो लाइव प्रोजेक्ट कैसा वर्क होता है वो नहीं मालूम ना, कि हाँ कैसे यूज करते हैं, कैसे लोड लगाते हैं, तो वो किधर से सीखना पड़ेगा, तो मेरे कुछ गाइडेंस। मैंने ऑल इन वन हाँ में प्रोजेक्ट करके दिखाया हुआ है, और इतना ही नहीं हाँ किया हाँ है, मैंने बोला है सबमिट कैसे करेंगे वो भी मैंने बताया है। मतलब हाँ तुम्हारे पास कोई क्लाइंट, क्योंकि मुझे पता है ना कि तुम्हें क्या, मुझे क्योंकि मुझे 7 साल हो गया अभी, लगभग लगभग 6.5 साल, 6 साल हो गया मुझे, हाँ तो मुझे पता है कि क्लाइंट को देना क्या है। तो मैंने ऑल इन वन में स्टैट प्रो में भी और ईटैब में भी प्रोजेक्ट बने बोला कि अगर क्लाइंट ने दे दिया तो प्लानिंग कैसे करेंगे, हाँ और उसका रेवीट पे मॉडलिंग कैसे करेंगे, स्टैट प्रो और ईटैब पे एनालिसिस कैसे करेंगे, फाइनल ड्राइंग कैसे बनाएंगे, मैंने करके दिखाया हुआ है। और इतना ही नहीं, उसी में वो क्या लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग है, इसलिए वहां पे और बच्चों ने भी करके दिखाया हुआ है, मेरे सारे स्टूडेंट्स करके दिखाते हैं। दूसरी चीज, मैं ऐसे सर्टिफिकेट किसी को नहीं देता हूँ, सर्टिफिकेट के लिए हाँ कंपलसरी है 2 प्रोजेक्ट, फाइनल जैसे क्लाइंट को देना है वैसे आप जब मुझे देते हो तभी मैं देता हूँ, तो हाँ नो डाउट आपको करके ही देना पड़ेगा तभी मिलेगा सर्टिफिकेट। नहीं तो ये हमने प्रोसेस रखा हुआ है। अब और कुछ माइंड में तुम्हारे क्वेश्चन है? नहीं ठीक है, इतना ही कुछ। ये देखो डियर, पुणे एक ऐसी जगह है, तुमने यहाँ से तो इंजीनियरिंग किया तुम्हें पता होगा, यहाँ पर पैकेज बहुत है जो टैलेंटेड लोग हाँ हैं, ठीक है। मैंने देखा है मुंबई से ज़्यादा पैकेज पुणे में लोग ले रहे हैं, बट उनको हाँ वही कि सीधी सीधी बात है, मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ, जो मांगूंगा तुम दोगे, अगर तुम्हारे घर पे खाना हाँ बनाने का काम करने आ गया तब मैं बावर्ची टाइप का, ठीक है। हाँ तो क्या बोलते हैं, मतलब एक जस्ट एग्जांपल है। हाँ, तो समझ में आ गया, सब हाँ कुछ क्लियर हो गया? यस ओके, सर होप आपको समझ में आया होगा डियर। और सबसे बड़ी बात यही है कि लोग इन्वायरमेंट नहीं बना रहे। मेरे पास एक सुबह एक लड़के ने बिलिंग इंजीनियरिंग के लिए रिज्यूम डाला, ठीक है। अब उसके हाँ रिज्यूम में ऐसी कोई भी स्किल्स नहीं थी जिससे ये पहचाना जा सके कि ये बिलिंग के लिए बना हुआ लड़का है, हाँ ठीक है। तो मतलब ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो कि हम जिस प्रोफाइल के लिए, अभी से तुम साइट के लिए, तो तुम वहां पे केवल साइट हाँ मेंशन मत करो, साइट के साथ दिखाओ कि मैं इस आर्किटेक्ट के पास प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है। हाँ प्लस अपने रिज्यूम में कुछ प्रोजेक्ट्स मेंशन करो कि मान लो तुमने कोई 2-4 प्रोजेक्ट किए होंगे, ठीक है, हाँ उनको मेंशन करो। मेरे से मान लो ऑल इन वन तुमने सीखा, तो उसमें हाँ मैंने 10-15 प्रोजेक्ट दिए हुए लाइव, उसमें से दो हाँ तीन प्रोजेक्ट करके उनको मेंशन करो कि मैंने डेमो प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ठीक हाँ है। मेरी कंपनी बहुत बड़ी मान लो है, तो मैं एक रेपुटेटेड इंप्लाई चाहूंगा ना जिसने कुछ सीखा हो ना, मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूं, वो भी तुम्हारी डिमांड होगी ज्यादा पैकेज की, तो दूं कि ना दूं सोचना हाँ पड़ेगा ना मुझे, फिर क्या ठीक है। तो अभी मैं लोगों को बहुत बेसिक एग्जांपल बताता हूँ, तो मैं एक अलग लड़के को बता रहा था कि अगर हम सब्जी खरीदने जाते हैं, तुम्हारा हाथ दर्द करने लगा क्या, उसको रख सकते हो स्टैंड करके, नहीं लग रहा है ऐसा, क्योंकि मैं जब कभी कभी ब्लॉगिंग करता हूँ तो मेरा हाथ ऐसे पूरा हाव हो जाता है, तो इसलिए मुझे ऑब्जर्व है उसका, ठीक है। तो जब हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो उस जगह पे जाते हैं जहां पे लगभग सारी चीजें मिल जाए, हाँ उसका रीजन क्या रहता है, हमारा टाइम सेव होता है, नो डाउट हमें भी पता है कि वो महंगा देगा, बट हाँ ये रहता है कि वो साफ देगा, एकदम क्लीन देगा, वेजिटेबल जो भी रहेंगे उसके क्लीन रहेंगे ना। तो हम उसके पास जा रहे हैं क्यों, उसके पास सब्जी से रिलेटेड सब है, तो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर से रिलेटेड सब है क्या? ठीक है, इसलिए तब तक हायरिंग नहीं होगी, तब तक शॉर्ट लिस्ट नहीं होगे जब तक पूरी सब्जी तुम्हारे पास नहीं रहेगी, ठीक है। होप तुमको समझ आया होगा बहुत बेसिक एग्जांपल से। और क्या बोलते हैं, एक बार तुम ऑल इन वन देख लेना, तुम्हारा मैक्सिमम काम हो जाएगा। अब ये नहीं पूछूंगा तुम्हारी इसमें सैलरी क्या है, क्योंकि बहुत लेस होगी मुझे पता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइव बेइज्जती नहीं अच्छा होता है, तो हाँ इसलिए मतलब कुल मिला के अगर तुम्हें सैलरी का ग्रो करना है तो तरीका यही है,
सारी वेजिटेबल्स हाँ लगाओ, सेल करो जितना महंगा अपने आप को सेल, मतलब अपने जो भी स्किल से उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच। और